देखिए, राज्य विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने रोहित साहू को जो है अपना उम्मीदवार बनाया है। रोहित साहू जी वही प्रत्याशी हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो है जनता कांग्रेस के टिकट से जो है चुनाव लड़े थे और लगभग 21,000 मत जो है वो यहाँ से प्राप्त किए थे। 2019 में उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह के सामने 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और दामन थामते ही अभी महज एक वर्ष के अंदर ही जो है उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना उम्मीदवार बना दिया है। अब रोहित साहू जी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाने से राज्य विधानसभा की जनता क्या कहती है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए हम राज्य विधानसभा की जनता से ही जानते हैं। कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य से उम्मीदवार बनाया है, क्या वो चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? ठीक है, समय के हिसाब से ठीक है, जीते ही वो जीते वह। अब ये तो कुछ करे नहीं है, वो जो देकर कर करे धोखा मत करें, ना करे हो तो पर पहले के बने रोड है, सब विकास है, सब चीज़ है, एक साथ में बने। अभी का है कुछ करे नहीं है, बस बस कुछ नहीं करे। ऐसे श्यामाचरण के लड़का का नाम ऊपर नाम लतमा, अब तो कुछ करे भी नहीं है ना। तो कांग्रेस ला का करना चाहिए, इसे अपन विधायक के टिकट बदल देना, दूसरा दे देना, बदल देना चाहिए आपके हिसाब से? कौन अब कांग्रेस से कांग्रेस अपन लग देना चाहिए, कांग्रेस के मोटे नहीं, कांग्रेस की कोई मतलब ही नहीं, कुछ करे भी नहीं करे ना। अच्छा, का करे अभी, ये तो बेकार ही बैठे हैं, यूँ तोड़ फोड़ हो ही कोई मतलब भी नहीं। और रोहित साहू जी जीते चुनाव? हाँ, वो तो वो पहुँच तेली बहुमत है जी, साहू बहुमत है, आदमी है थोड़ा बहुत तो जीत ही चो। आपका नाम? अशोक ठाकुर। राज्य विधानसभा से रोहित साहू को अपने प्रत्याशी बनाया, क्या लगता है आपको, क्या रोहित साहू जी यहाँ से जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे। किस बेस पे आप बोल रहे हैं जीत पाएंगे, क्या उनका नाम? देख रहा हूँ कि जितना वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया था उस हिसाब से कोई काम नहीं किया है अभी तक, इसलिए लगता है कि इस बार भाजपा के उम्मीदवार बिल्कुल राजनीतिक विधानसभा से जीत पाएंगे। कांग्रेस को क्या करना चाहिए, अपने वर्तमान विधायक को ही टिकट देना चाहिए या उसे बदल देना चाहिए? बदल देना चाहिए। अमित शुक्ला जी का कार्यकाल ठीक नहीं रहा? ठीक नहीं रहा। आपका नाम? राम साहू। रोहित साहू को अपना उम्मीदवार बनाया राज्य से, क्या लगता है काका आपको, क्या जीत पाएंगे वो? हाँ, वो तो जीत ही जाएगा। वो ऐसा है कि अभी उसने अभी ठीक है उसका पोजीशन अभी। और वर्तमान विधायक का कैसा है अभी पोजीशन? वो भी ठीक है, लेकिन अभी देखने में लग रहा है कि इसका ज़्यादा चांसेस है। अगर यदि रोहित साहू के विपक्ष में कांग्रेस से अमितेश शुक्ला जी खड़ा हो जाता है तो क्या होगा, कड़ी टक्कर होगी या आसान जीत होगी? शुक्ला जी भी निकाल सकता है, क्योंकि कांग्रेस का अभी लगभग लगभग छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस ही का अभी ना चली जाए। आपका नाम है? बजरंग। राजीव से क्या लगता है आपको, क्या रोहित साहू जी जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जीत पाएंगे ना। पिछले चुनाव में जो है कांग्रेस जो है 58,000 वोटों से जीती थी, क्या वो खाई बढ़ जाएगा, क्या लगता है? नहीं नहीं जीत जाएगा रोहित साहू, रोहित साहू जी जीत जाएंगे। क्या किस हिसाब से आप बोल रहे हैं? पिछले चुनाव में उनके पास अजीब जो जनता जोगी से लड़े थे उनके पास 25,000 वोट एक वाला है उनके पास अलग से, उसके बाद अभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, है ना, बीजेपी का वोट प्लस पार्टी उम्मीदवार चेंज हुआ है, उस हिसाब से जीत जाएंगे चुनाव। और कांग्रेस को क्या करना चाहिए, क्या अपना उम्मीदवार बदल देना चाहिए या अमित शुक्ला जी को हटा देना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या करना चाहिए कांग्रेस को, उम्मीदवार बदलना चाहिए या अमितेश शुक्ला जी को टिकट देना चाहिए? नहीं नहीं उम्मीदवार बदलना चाहिए। क्या नाम है आपका? ललित निर्मलकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है रोहित साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है राज्य विधानसभा से, क्या लगता है आपको, क्या रोहित साहू जी चुनाव की जंग जीत पाएंगे? देखिए, अभी का माहौल देखेंगे तो पूरा लगता है कि रोहित साहू के ही तरफ है, पूरे भारी मत से विजय होने वाला दिख रहा है। जैसे अमितेश शुक्ला पिछले बार विजय हुए थे ना, वैसे इस बार रोहित साहू जी विजय होंगे ऐसा लग रहा है। और कांग्रेस को क्या करना चाहिए, क्या अमितेश शुक्ला जी को ही टिकट देना चाहिए, उनको भी टिकट बदल देना चाहिए? कांग्रेस को स्थानीय व्यक्ति को महत्व देना चाहिए, अमितेश शुक्ला जी यहाँ रह के काम नहीं करते हैं, इस हिसाब से यहाँ जो स्थानीय रूप से निवास है जो यहाँ रह के काम करे उसको टिकट देना चाहिए। आपको सुनना हीरा लाल साहू। जनता पार्टी जो है रोहित साहू को अपना राज्य विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, क्या लगता है आपको, क्या रोहित साहू जी जीत पाएंगे, कैसे प्रत्याशी की प्रत्याशी बदल देना चाहिए भाजपा को अभी? हाँ ठीक है, रोहित साहू जीत सकते हैं क्योंकि अभी
राजिम क्षेत्र के विधायक जो है मितेश शुक्ला है, वो ना अभी तक राजिम क्षेत्र को तो विकास ही नहीं कर पाया है, तो विकास रोहित साहू को ही जीतना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए कांग्रेस को भी, क्या विधायक मितेश शुक्ला बदल के दूसरे टिकट दे देना चाहिए? हाँ, वह इस बार भाजपा को ही देना चाहिए। भाजपा से तो रोहित साहू जी को मिला, हाँ, तो कांग्रेस से जो है अमितेश शुक्ला को टिकट देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, किसी दूसरे को देना चाहिए? नहीं, किसी दूसरे को देना चाहिए, क्योंकि अभी तक अमितेश शुक्ला राजनीति क्षेत्र का कुछ विकास ही नहीं कर पाया। क्या नाम आपका? मेरा नाम है रंजीत पटेल। ओके, आप बताना जोहित कला, भारतीय जनता पार्टी ने रोहित साहू को जो है राजिम विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया, क्या लगता है आपको रोहित साहू जीत पाएंगे, अमितेश शुक्ला जी को टक्कर दे पाएंगे? क्या है, रोहित साहू अपने क्षेत्र में यहाँ राजिम में बहुत अच्छा काम किए हैं, गांव-गांव घूम-घूमकर बहुत अच्छे जगह काम किए हैं, गांव के चौराहे में टीन लगवाना, शेड लगवाना, बहुत जगह तो अपनी जेब से लगवाए हैं। मेरे ख्याल से अच्छा लगता है प्रत्याशी, जीत जाएंगे रोहित साहू जी राजिम में, टक्कर रहेगा दोनों का, टक्कर रहेगा। हाँ। क्या लगता है कांग्रेस को विधायक जो वर्तमान है उसको बदल देना चाहिए, दूसरे को टिकट देना चाहिए कि उसे देना चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से बदल देना चाहिए, क्योंकि वो रायपुर का है, जब भी हम लोगों को काम पड़ता है तो हमको रायपुर जाना पड़ता है, यहाँ से तो कुछ होता ही नहीं है, अब रायपुर जाओ मिले या ना मिले ये बात है, तो बदलना चाहिए, बहुत दिनों से चल रहे हैं, नया लिख देना चाहिए। रमन चक्रधारी राजीव। भारतीय जनता पार्टी ने जो है रोहित साहू को राज्य विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया हुआ है, आपको क्या लगता है कि क्या रोहित साहू जी चुनाव जीत पाएंगे? अब वो शायद ही अभी अब वो कांग्रेस जनता के जो है युवा नेता हैं, अब वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते जीते आना चाहिए, क्योंकि हमको बस क्या बोलते हैं अपना सुख समाज चाहिए, बस कौन सा समाज का चाहिए? बस शांतिपूर्वक समाज चाहिए, जैसे जो दंगे वंगे होते हैं वो सब नहीं चाहिए। नहीं, तो आपको क्या लगता है रोहित साहू जी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? अब वोटिंग ऊपर रहता है भी है। कांग्रेस से क्या लगता है, मितेश शुक्ला को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वर्तमान विधायक को? मिलना चाहिए ना वर्तमान विधायक है, जबकि तो यहाँ जो नए नए विधायक आते हैं वो लोग मतलब कुछ भी तिगड़ा लगा के विधायक बन जाता है, भैया पुराने नेता हैं तो उनको टिकट मिलना चाहिए ना। तो क्या रोहित साहू जी मितेश शुक्ला जी को टक्कर दे पाएंगे? हो सकता है टक्कर दे भी सकते हैं, भैया पुराने विधायक हैं। नहीं, रोहित साहू जी मितेश शुक्ला जी को टक्कर देंगे कि नहीं दे सकते? ना बिल्कुल दे सकते, बिल्कुल दे सकते। तो हम भी जानते हैं, हम युवा नेता आज के। ओके, नाम?